बोर्ड एग्जाम्स किसको याद है? बोर्ड एग्जाम्स का एक अनब्रेकेबल फॉर्मूला था कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना ही पेन दो। जैसे कि मैं बताऊं, अगर क्वेश्चन आ गया राम ने रावण को क्यों मारा, अगर ये क्वेश्चन अगर दो नंबर में है तो आप क्या लिखोगे? राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि उसने सीता देवी को किडनैप किया था। वैसे अच्छा था। अगर यही क्वेश्चन अगर पांच नंबर में आ जाए तो देख देंगे एक समय की बात है, राजा रहते जिनका नाम राम था। और अगर यही क्वेश्चन फिर 10 नंबर में आ जाए तो एक समय की बात है, एक राजा रहते जिनका नाम दशरथ। और बाय चांस अगर यही क्वेश्चन अगर 15 नंबर में आ जाए तो बस समझ लो पेड़ों की तो बारिश होगी, स्टार्टिंग ही ऐसी होगी। भारत विभिन्न प्रकार की जातियों से बना हुआ देश है, यहाँ देखो सत्ता के दो तीन चीजें हैं। अच्छा फिर आ रहा था सही गलत, सबने किया होगा मोस्टली स्टूडेंट सबसे पहले उसी को पूछेगा कि कौन से पेज पे सही गलत। सही गलत एक ऐसी चीज थी बंदे का छोटा दिमाग काम कर जाता उस चीज में, जिसके पास दिमाग ही नहीं होती वो इंटेलिजेंस चेक करने के लिए सही गलत दिया जाता था। ये मुझे पता चेक करने के लिए दिया जाता था, हमारे नंबर बढ़वाने के लिए। क्वेश्चन आ गया कि अरुण की लड़ाई राधा से हुई थी, सही या गलत? अरुण यार अरुण तो नाम से ही खराब ही सब सही। अच्छा फिर आता था मानचित्र, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे थे कि मानचित्र में दो जगहों को चिन्ह करो ढूंढो। क्वेश्चन आ गया कि दो जगहों के ऐसे नाम बताओ जहां पर सोना फाउंड हुआ था, सोना ढूंढा गया था। मैंने लिखा और लिखा मणिपुरम और लिखा फिर उसके बाद आता था ऐसे निबंध, और निबंध भी ऐसे छोटा मोटे नहीं, दब रहा होगा या फिर गाय हमारी माता ये वाला नहीं, ये आएगा तो मेरे मेजर से टोपर कितने आ जाएगा इस तरीके के। तो ऐसे निबंध भी इस तरीके के कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, आर यू सीरियस, यदि मैं प्रधानमंत्री होता भाई तुम ऐसे लिखवा रहे हो, ये अटने आडवाणी जी की आत्मकथा में मानी सोच रही। फिर उसके बाद आता था पत्र, सबसे बड़ा झोल झाड़ वाला जो काम था वो पत्र में, पत्र भी ऐसे कैसे नहीं, पत्र भी वो घुमा रहे हैं, पत्र आया था अपने भाई को बुरे संगत से बचाने के लिए पत्र लिखिए। भाई मैं बुरे संगत से तो बचा लूं, बुरे दिन की संगति उसका क्या करूं, संगत तो ठीक है, संगति जो है उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। फिर मैंने सोचा ध्यान दिया कि ये बात तो मीडिया तक आउट हो गई है, बाहर तक आउट हो गई, बोर्ड में भी आ गई है, मेरा भाई बिगड़ रहा है, मीडिया तू नहीं बचेगा घर पहुंचने में। मैंने अपना फोकस सब पेपर पे किया, नौजवान है यहाँ गलतियाँ हो जाती है, की अपनी बात याद आ गई। ऐसे सोचते सोचते मैं एक पेपर पे नजर गई, 15 नंबर का क्वेश्चन था ये, डियर अतुल, मेरे प्यारे अतुल, प्यारे वाला कुछ नहीं था, मैं करके लालच के लिए लिखा था बस, यारा कुछ नहीं अपने को होना चाहिए। भाई तुझे तो कर रहा है, हमारे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, प्यार से हमने बोल दिया है तब तो लालच से पढ़ाते हैं, और इसी से बहुत तरीके हैं उनके पास।
समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, समाज को कोई टेंशन नहीं है, पता है कि बेटे तुम ऐसे ही हैं। कैंसिल करके मैंने लिख दिया। और फिर आते हैं एक टॉपर्स, टॉपर नहीं है, अगर गरीब का बच्चा टॉप कर जाए तो मीडिया वालों को खबर हो जाए कि ये भैया गरीब का बच्चा टॉप कर गया, तुरंत भैया माइक लेके पहुंच जाएंगे, कैमरा लेके पूरे कर देखिए ये है, अब ये है, इन्होंने कभी ये तस्वीर में सबसे बड़ी क्लास को पास सबको किया है, पीछे उसने हो गया आगे, और वहां पे एक राजेश के पिताजी से मिलते हैं, पिताजी को गरीब रूम में नहीं, वो ऑटो चालक हमारी रूम में घूम रहा है भिक्षा, और भी ऐसे नहीं वो था नहीं भिक्षा तुम्हारा, ये है राजेश के पापा जो रिक्शा चालक हैं, राजेश के पापा भी सोचते हैं मेरा एक बेटा टॉप किया है, किस बात को घमंड है तुझे, अब क्या करना चाहता है, पढ़ लिया तुमने, आपको तो दूसरी किताब छोड़ दे, कितना फोकस लेगा। हाँ, अगर कोई गरीब का बच्चा टॉप करे तो वो अचीवमेंट है, बट उतना नहीं जितना कोई अमीर का बच्चा टॉप करता है, क्योंकि गरीब के पास इतना कुछ नहीं है, वो पढ़ने के लिए और कुछ नहीं उनके पास, किताब लेके बैठते हैं, पर अमीर के बच्चे के पास फोन होता है, लैपटॉप होता है, गेम होता है, नेटफ्लिक्स पे अकाउंट होता है, दुनिया भर का तामझाम उन्हीं के पास होता है, और उस बीच में अगर वो टॉप कर जाए तो अचीवमेंट वो है। भाई जंगल में तो कोई भी तपस्या कर सकता है, बार डांसर के सामने तपस्या करके दिखाओ, तब माने कि वो है साधु।